आज गुरुग्राम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सेलजा और प्रभारी विवेक बंसल की अगुवाई में कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। गुरुग्राम पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सेलजा ने कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सलाह को पीएम मोदी की सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। वहीं उन्होंने मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा पूर्व पीएम पर दिए गए बयान को निंदनीय भी बताया। सरकार से भी, सरकार को भी अवगत कराया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराया, और अभी आपने देखा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि उनकी बातों की ओर ध्यान ना करते हुए जो देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जिस प्रकार से रिएक्ट किया है हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के पत्र पर, आज वो खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कोविड से त्रस्त हैं और एम्स में भर्ती हैं। ऐसे समय में जिस प्रकार से देश के स्वास्थ्य मंत्री ने, सरकार ने रिएक्ट किया है, मैं यही कहूंगी कि ये दुर्भाग्य है हमारे देश का।